गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम चल रहे हैं छत पे, थोड़ा योगा प्रैक्टिस करना है। संडे करके हम घर में स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा करते हैं। हम सोचे कि आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए, इसीलिए हम शेयर करने के लिए आज हम छत पे थोड़ा सा योगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसका क्या यूटिलिटी है, किसका क्या मतलब आप एडवांटेजेस ले सकते हो, वो भी हम शेयर करेंगे। सो लेट्स गो। हियर आई एम डूइंग द बैक स्ट्रेचिंग। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल का जो बोन होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए दिस टाइप ऑफ योगा वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई कैन टच द फीट वेरी इजीली, बट हियर आई कैन शो यू गाइस कि अगर आप लोगों में से ऐसा है कि बेली फैट ज़्यादा है या तो फिर स्ट्रेच आप लोग नहीं करते हो, तो आप लोग पहले हैंड से पैर को पकड़ लो, फिर धीरे धीरे ऐसे करके आप करके देखिए, हम जैसे कर रहे हैं हाथ को पीछे देके, धीरे धीरे आप कोशिश करो कि हिप से पूरा लेग का जो फिट का जो मतलब टो एरिया है और हील्स है उसको स्ट्रेच करने के लिए। तो ऐसे बहुत कई होता है ना कि जैसे कि टच नहीं हो रहा है हील्स पे, या फिर आपका जो टॉप एरिया पे टच नहीं हो रहा है सीधे तरह से, तो आप लोग ऐसे करके भी कर सकते हो। पहले यू कैन कम टू द सिटिंग पोजीशन एंड आफ्टर दैट यू कैन स्ट्रेच योर लेग्स। तो नी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस हिसाब से भी कर सकते हो। तो ये देखिए, हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो लोअर बॉडी का पोर्शन है, लोअर बॉडी का पोर्शन फिक्स रख के बस अपर बॉडी को हम ऐसे दोनों साइड पे कर रहे हैं। इससे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रेच होता है तो बैक का जो होता है ये बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। नाउ आई एम डूइंग अगेन दिस वे बिकॉज हम लोगों का स्पेशली आई थिंक दैट प्रोसेस के बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एक अपर और लोअर लेवल में इक्विलिब्रियम पोजिशन में होना चाहिए। मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो है ये आपका मतलब पूरा बॉडी में होना चाहिए। तो यही इसका आज हम जो दिखा रहे थे, तो यही इसका मतलब है। तो हियर आई कैन शो द लेग स्ट्रेचिंग, वो भी सामने से पीछे ऐसे करने से आपका हैमस्ट्रिंग और कॉर्ड जो एरिया है लेग्स का, इसमें आपका बहुत स्ट्रेचिंग फील होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगा। आप लोग देखना कि स्विमिंग से पहले इंसान ऐसे तरह से लेग्स का मूवमेंट कर लेता है। और ये जो सूर्य नमस्ते है, इसका एक पोज अभी हम कर रहे हैं। ये जब हम लोग लेग का एक्सरसाइज जिस दिन करते हैं तो उस दिन के ये वाला स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, हम स्पेसिफिकली नेम नहीं मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मोटो ऐसा नहीं है कि हम कितना जानते हैं वो बस शो ऑफ करना। मेरा मोटो ये है, आम इंसान जो मेरे जैसे मदर लोग हैं, तो हाउ दे कैन प्रोसीड लाइक दिस वे। तो इसलिए हम नेम नहीं मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, बस दिखा रहे हैं और इसका जो एडवांटेजेस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग अगर ऐसे करके करते हो तो लेग्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अभी बहुत कोई ऐसे बोलता है ना कि पैर में दर्द होता है, हम कमर ठीक से बेंड नहीं कर पाते, तो ये कुछ पोस्चर है, वेरी इजी पोस्चर अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका जो बैक का पोजीशन है या फिर लेग्स का है या फिर हैंड मूवमेंट का भी है, इस सब में जो जॉइंट एरिया है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट होते जाएगा। कोशिश करना कि ऐसे पूरा स्ट्रेच करके करना। तो ये जो है, ये आप लोग पुशअप करते हो तो पुशअप का एक फॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं अलोंग विद द चाइल्ड पोस्चर बोला जाता है। ये जो है इसमें आपका चाइल्ड पोस्चर के साथ पुशअप का फॉर्मेशन है, ताकि आपका पूरा बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो और जो ब्रीदिंग है पूरा बॉडी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हियर आई कैन डिस्क्लोज वन थिंग, ये जो पोजीशन हम दिखा रहे थे, एक बार हाथ
नी को मतलब बोथ द हैंड इन बिटवीन द नी और बोथ द साइड में लगे कर रहे थे, क्योंकि हम ये वाला दिखा रहे थे बिगिनर अगर जो लोग होंगे वो कैसे करके ये फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शो दैट खड़े होके स्टैंडिंग पोजिशन में हम लोग पवन मुक्तासन जो बोला जाता है वो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो बॉडी का जो आपका क्या बोलते हैं एयर है, एयर का जो मतलब गैस होता है ना, ऐसे बहुत किसी को मॉर्निंग में गैस फॉर्म हो जाता है, तो ये सब से रिलीफ पाने के लिए ये हम खड़े होके दिखा रहे हैं, क्योंकि आई डोंट यहाँ पे हम मैट नहीं बिछा सकते तो इसलिए हम खड़े होके ये दिखा रहे हैं। ये आप लोग खड़े होके भी कर सकते हो और ये आप सो के पूरा शवासन में पूरा सो के भी कर सकते हो। तो ये पवन मुक्तासन का मतलब स्टैंडिंग फॉर्म हो गया। अभी हम बेंड हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जो साइड का स्ट्रेचिंग है। एक्यूरेसी और परफेक्शनिस्ट तो मुझे बनना नहीं है, मुझे फॉर्मेशन दिखाना है जो मेरी तरह आम लड़कियाँ हैं या मदर है या वुमन है वो लोग बहुत ही आसानी से ये सब कर सके। तो ये सब करने के लिए जो हम पोस्चर ऑकर करते हैं वही हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए। सो एक्चुअली आई वॉज थिंक के आई एम गोइंग टू डू विथ माई योगा मैट, बट इधर पूरा बारिश, पूरा देखिए छत पे पूरा बारिश, पानी पूरा पानी है। सो फॉर दैट आई एम जस्ट टेकन दैट स्टैंडिंग ऑल द योगा एंड इसका क्या क्या नेम है आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे और इसका क्या क्या मतलब एस्पेक्ट है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो अभी बारिश हो रहा है सो लेट्स गो इन माई रूम। सो ये है मॉर्निंग का पूरा व्यू एंड इधर है माई सन। गुड मॉर्निंग ऑल, सो चलिए हम नीचे चलते हैं अपने रूम में, बहुत जोर से बारिश आने वाला है। बच्चे अगर खुद से पानी देना, पेड़ पे पानी डालना सीख जाते हैं सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड हैबिट ऑफ द लाइफ। तो ये बहुत ही अच्छा है, हर किसी के बच्चे को ये चीज़ मतलब जानना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग इफ़ यू हैव एनी प्लांट तो यू कैन प्लीज़ टेक केयर एटलीस्ट वाटरिंग द प्लांट वंस अ टाइम इन अ डे। आफ्टर टेकन द बाथ मेरा स्किन केयर रिचुअल कंटिन्यू होता है। मेरा फर्स्ट स्टेप रहता है थ्रेडिंग करना, तो फेस पे हम थ्रेडिंग करते हैं, सिंपल हम ब्लेड ले लेते हैं। इसके बाद हम इससे पहले भी रोज़ वाटर अप्लाई किए,
फिर इसके साथ साथ भी रोज़ वाटर अप्लाई करते हैं। किसी किसी दिन अगर बहुत सेंसिटिव फील होता है स्किन में तो एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेते हैं। जाहिर सी बात है अभी रेनी सीजन चल रहा है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, तो हम रोज़ वाटर अप्लाई करके ये वाला कर लेते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये वाला जो मुझे मिला है, ये AHA एंड BHA वाला सीरम, और इसके साथ साथ सनस्क्रीन, लैक्मे का सनस्क्रीन ऐड कर दिए। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डे क्रीम जो है लैक्मे का वो वाला ऐड किए, क्योंकि हम आज कोई कंसीलर या मेकअप हम अप्लाई नहीं किए, फाउंडेशन अप्लाई नहीं किए, फिर हम आईब्रो कर रहे हैं। लेटेस्ट अभी जो मार्केट में स्टाइल चल रहा है उस हिसाब से आईब्रो और आईलैश सेट कर लिए, और अभी हम इसको ब्लशन कर रहे हैं थोड़ा सा, जो नेचुरल लुक आएगा उस हिसाब से। वैसे बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा था, और अभी लिप ग्लॉस थोड़ा सा लगा लिए, और इसके साथ साथ हम रेडी हो गए फॉर टुडे। एंड नाउ हाउ आई एम लुक लाइक। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हैप्पी संडे, गुड मॉर्निंग ऑल। सो आफ्टर टेकिंग माय बाथ आई यूज टू गो माय मंदिर एरिया, एंड इन माय मंदिर एरिया आई सपोज टू मतलब सम दिया जलाएंगे, आई सपोज टू मेक सम दिया, एंड थोड़ा सा मॉर्निंग रिचुअल है जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि संडे के दिन ये सब करने में बहुत ही मन को शांति मिलता है। तो आई जस्ट लिव माय लाइफ अकॉर्डिंग टू माय वे। और इधर देखिए रेनी सीजन चल रहा है, तो इधर पूरा कपड़ा मतलब सूखा, ये सब सूख चुका है, और एक टब पूरा भर के है, वो सब कपड़ा मुझे सॉर्टिंग करना है, और उसके साथ साथ बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो चलिए रहिए आज संडे के दिन मेरे साथ, और इन्जॉय कीजिए मेरा लाइफ स्टाइल आपके साथ जो हम शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डे, हैप्पी हैप्पी संडे। सो चलिए ब्रेकफास्ट फॉर माय सन। तो इधर देखिए सूजी का हलवा उसको अर्ली मॉर्निंग दे रहे थे सवेरे, क्योंकि सूजी एक तो बहुत ही प्रोटीन और कार्ब्स भी है इसमें, और परसेंटेज ऑफ अदर्स इंग्रेडिएंट्स अच्छा से है, तो ये बहुत ही हेल्दी एक ब्रेकफास्ट हो जाता है। और हम लोग बहुत दिन से शुगर ही कुछ मतलब खाते नहीं हैं, तो क्या होता है ना एग्ज़ाम के टाइम जो आपका मेंटल जो एक प्रेशर रहता है इमोशन को सेटिस्फाइंग करने के लिए, तो इसमें आप अच्छा सा हेल्दी खाओ, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा खा लो। लेकिन बेटा अभी छोटा है, आई नो आफ्टर सर्टेन एज शुगर कैन फॉर्म द इंफ्लेमेशन ऑफ द बॉडी, बट यहाँ पे हम जो शुगर दे रहे थे एक पोर्शन मतलब फिक्स्ड करके दे रहे थे, कोई भी चीज़ आप ज़्यादा नहीं खा सकते हो, तो उसका इफ़ेक्ट जो बॉडी में है अलग सा आएगा। तो देखिए इधर मेरा स्पून अंदर चला गया पानी दे के, और धीरे इसको हम उठा रहे हैं। अभी ये पूरा कोई काम का नहीं है, मेरा हाथ एकदम चिपक चिपक गया, तो ऐसा कभी कभार हो ही जाता है। तो इसमें हम जो ऐड कर रहे थे, इसमें हम कार्डोमम डस्ट ऐड कर रहे थे, शुगर ऐड कर देंगे। और जो मेरा शुगर है ऑर्गेनिक शुगर हम लाए थे बेटे के लिए, क्योंकि जो मोटा दाना वाला चीनी होता है वो हम अवॉइड ही करते हैं। तो इधर हम 4 स्पून, ये जो स्पून आप लोगों को दिखाई दिया 4 स्पून डाले, और एकदम सिम करके जो फ्लेम था एकदम सिम करके हम स्टेयर करते रहे ताकि ये अच्छा से बॉइल्ड होके अच्छा से मतलब पक जाए। तो ये रहा मेरा सूजी वाला हलवा, और इधर थोड़ा सा टाइम के लिए छोड़े थे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे अर्ली मॉर्निंग, संडे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। सो नाउ इट्स रेडी टू यूज़ और रेडी टू ईट।
अभी प्लेट पे हम सर्व कर रहे हैं बेटे के लिए, और आप लोगों को दिखाना भूल गए थे, हम इसमें थोड़ा सा किशमिश भी ऐड किए हैं ताकि टेस्ट थोड़ा सा आ जाए। आज थोड़ा सा आलिया भट्ट से इंस्पायर होके ये वाला हम बनाए, ये सैलेड का टॉपिंग बनाए, बीटरूट कार्ड अलोंग विथ विनीगर अलोंग विथ एप्पल सीडर विनीगर अलोंग विथ ऑलिव ऑयल, एंड इसमें है सॉल्ट और थोड़ा सा इसमें डाले हनी, तो बहुत ही टेस्टी एंड अमेजिंग बनता है। इफ़ यू पीपल ट्राई दिस टॉपिंग और जस्ट सैलेड लाइक दिस वे यू कैन। और आज जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं, दिस इज़ द देसी पापड़ है, इसको हम बटर से फ्राई करेंगे, ये वाला टॉपिंग लेंगे और एक का ऑमलेट हो जाएगा खाना। So yeah, this is our today's lunch. This is that rice along with ghee, और देसी घी इसमें डाला हुआ है और थोड़ा सा खारा मसाला है, and along with this एक poach and this one papad and beetroot chutney. So this is for my son's lunch. This is for me special beet that topping salad के लिए, ये हम veggies थोड़ा सा बचा हुआ था left over ले लिए. I have also papad and this poach and that coffee. So कैसे लगा आज का lunch? ज़रूर बताइएगा comment करके, और इसका क्या आप लोगों को लगा कि आप इंग्रेडिएंट्स मतलब हेल्दी है वो भी कमेंट करके बताइए, और जो अनहेल्दी है वो भी कमेंट करके बताइए। और ये लीजिए हरकतें देखिए ये तीनों बंदे का, ये बंदा जा रहा है दोनों को लीड करने के लिए, पता नहीं डेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दोनों बिल्ली गाड़ी के अंदर अंडरनीथ छुप के बैठा हुआ है, और वो वाला जा रहे है एक बार इससे आके डेटिंग कर रहे है, एक बार उससे आके डेटिंग उससे जाके मिल रहा है, क्या बोले इसको मतलब पता नहीं। आप लोग ही बोल दीजिए क्या हो रहा था यहाँ पे। और इधर देखिए अभी हम जा रहे थे जिम में, आज थोड़ा लेट करके गए, रोड पूरा एम्प्टी था, और ये बंदा मुझे वेलकम करने के लिए खड़ा ही हो गया देख के। सब कोई समझता है कैमरा, अच्छा पोज दे रहा है, ओए होए कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइस इतना तक आज का ब्लॉग, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। सी यू नेक्स्ट, स्टे सेफ एंड हैप्पी, लव यू ऑल।